हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार, तो आइए बात करते हैं ब्लैक सैंड बीच के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें छुट्टियां बिताने की, तो सबकी मन में बस एक ही जगह याद आती है, समुद्र का किनारा हो और उसके आसपास रेतीला दृश्य, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी का अनुभव कराता है। लेकिन हम आज बात करेंगे एक ऐसे बीच के बारे में जहां आपको सफ़ेद रेत नहीं बल्कि काली रेत दिखेगी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और एक अलग एहसास कराती है। तो आइए जानते हैं कि ब्लैक सैंड बीच कहां है और ये कैसे बनते हैं। पुनाऊ के बीच समुद्र तट पर ब्लैक सैंड के बीच पाए जाते हैं। इनके बनने का कारण होता है जब गर्म लावा किसी ज्वालामुखी से निकलता है और वह समुद्र के किनारे आकर ठंडा हो जाता है, तब उससे ब्लैक सैंड का निर्माण होता है। यहाँ पर बहुत सारे विलुप्त होने वाले हरे कछुए देखने को मिल जाते हैं, जो कि रेत पर बास्किंग करते दिखाई पड़ते हैं। कायमू में एक छोटा सा शहर है, पूना मिल जिला पर एक द्वीप था। यह एक बार एक ज्वालामुखी से नष्ट हो गया था। लावा से 1990 में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके बाद वहाँ पर कुछ चीज़ें नष्ट हो गई थी और कायम का खाड़ी अपने काली रेत के विश्व विख्यात था। यहाँ पर छायादार ताड़ के पेड़ थे और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उस जगह पर लावा लगभग 50 फीट तक ऊपर कवर कर लिया था। वहाँ पर बीच और शहर और सड़कों का बड़ा हिस्सा इसमें दब गया था। वह सड़क अब ठंडा लावा के ऊपर है, जिसमें कुछ घर लावा के ऊपर बने हुए हैं। न्यू बीच भी मौजूद है और पुराने बीच की तरह ब्लैक सैंड से बने हुए, जहां पर वहां के स्थानीय लोग और कुछ आगंतुक लोगों ने अंकुरित नारियल लगाकर वहां पर खोए हुए पेड़ों को फिर से लगा रहे हैं, जिससे वहां पर पहले जैसा वातावरण बन सके। यहाँ बात को पुनालू बीच की, तो यहाँ पर तैराकी क्षेत्र बहुत ही चट्टानी है, जहाँ पर सावधान होकर तैराकी का मज़ा लिया जा सकता है। यहाँ पर भूमिगत ताजे पानी की बहुत बड़ी मात्रा उपस्थित है। यहाँ का ताज़ा पानी बहुत ही ठंडा होता है और यहाँ पर उपस्थित गैसोलीन मिश्रण जैसा लगता है। यहाँ पर दुर्लभ हॉक्सवेल कछुआ, हरा कछुआ, देसी मधुमक्खियाँ और अन्य जीव व पक्षी समुद्र के आसपास पाए जाते हैं। जहाँ पर स्पिनर डॉल्फिन और कुबड़ भेल पाई जाती, जो कि यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। बात करें यहाँ पर वनस्पतियों की, यहाँ पर पहाड़ियों पर तथा आसपास चपटी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पर अन्य झाड़ तथा बेल वाली वनस्पतियाँ होती हैं। दोस्तों, ब्लैक बीच, लगभग 23 ब्लैक बीच पाए जाते हैं यहाँ दुनिया भर में, जो कि दुनिया भर में बहुत ही फेमस है, जैसे स्वेस एयर, सेंट लूसिया, उसकी जॉर्जिया जो कि ब्लैक सी पर उपस्थित है, जिस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं ब्लैक सी के बारे में डिटेल से, जिसको आप जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 3 अल्बे फिलीपींस, नंबर 4 वीएक्स व्यूरोटिको, कैमू हवाई, कैलिफोर्निया, कैनरी आइसलैंड, स्पेन आदि। यहाँ पर फेमस ब्लैक सैंड के साथ तैराकी तथा स्कूबा ड्राइविंग का भी मज़ा लिया जा सकता है। क्या आप इन खूबसूरत जगहों पर घूमने के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो हमें ज़रूर बताएं। चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप द यूनिक यूनिवर्सिटी के अन्य वीडियोस देख सकते हैं। हमने ब्लैक टॉपिक पे ढेर सारे वीडियो बनाया हुआ है, जैसे ब्लैक सी, ब्लैक आइस, ब्लैक माउंटेंस, ब्लैक फिश, ब्लैक बॉक्स, इनको आप जाके आसानी से देख सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।